चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें अनुदान के बारे में भी बताएं कि जो पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनें हैं इनके ऊपर सरकार क्या अनुदान दे रही है। तो अगर कोई किसान भाई है वो व्यक्तिगत रूप से अगर खरीदना चाहता है इनको, तो पिछले 2 साल से जो इस योजना के अंतर्गत बांटा गया, मैं उसकी बात करूंगा, आगे भी शायद ये योजनाएं लगातार रहेंगी। तो पिछले 2 साल में 40% जो है आपका अनुदान है ये जो है व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। और अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर या सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर आप एक समूह बना के अगर सरकार को प्रेषित करते हैं, तो इसमें आपको 80% तक अनुदान दिया जाता है इन मशीनों के खरीदने पे। और किसान इस अनुदान को प्राप्त कैसे कर सकता है सर? आपके ADO होते हैं, कृषि विकास विस्तार अधिकारी या ग्राम सेवक, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं समय समय पे कि ये योजनाएं कब आती है और किस आधार पे। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में इसके अनुदान की क्या है, इसमें जो लागत है या कीमत है वो निश्चित रहती है कि सरकार कितना पैसा दे रही है, तो उस आधार पे क्षेत्रों के हिसाब से कहाँ ज्यादा पराली का जलदहन हो रहा है या कहाँ कम है, तो उस हिसाब से वो सब्सिडी इसको बांटी जाती है। तो हो सकता है किसी क्षेत्र में कम आए कम ज्यादा है, बट निश्चित रूप से सरकार इसमें अनुदान दे रही है। सर, अभी आपने बातचीत में 7-8 मशीनों के नाम लिए जो कि पराली प्रबंधन में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में किसान कैसे चयन करे कि उसके लिए कौन सी मशीन ज्यादा बेहतर है? ये बात आता है कि मशीनें तो बहुत सारी है आपको, लेकिन आप चयन कैसे करें? तो किसानों को सारी मशीन एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके खेत में कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं धान की। उस वैरायटी के हिसाब से आपको पता होगा कि पराली का लोड कितना होता है, मतलब प्रति हेक्टेयर आपका कितना पराल होता है। ये 4 टन से लगभग 14-15 टन तक भी हो सकता है, अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो आपको देखना है कि अगर आप कम ऊंचाई वाली फसल लगा रहे हैं धान की, तो इसमें पराल निश्चित रूप से कम होगी, हो सकता है 4 टन हो या 5, तो इसमें आपको सीधे 0 टिल ड्रिल या आपका हैप्पी सीडर, इस मशीन यही मशीन कोई एक मशीन ही पर्याप्त है आपके जुताई और सीधे बिजाई के लिए गेहूं की। क्योंकि जो समय होता है आपका धान की कटाई और गेहूं की बिजाई, ये बहुत सीमित होता है, लगभग 15 दिन हम मान के चलते हैं। इस 15 दिन में आपको धान की कटाई करना है, पराल को भी हटाना है और आपको बिजाई भी करना है। तो इसलिए ये जो हैप्पी सीडर है या सुपर सॉरी हैप्पी सीडर या आपका जो 0 टिल ड्रिल है, ये बहुत अच्छी मशीन है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपकी पराल की मात्रा अगर थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो आप स्ट्रॉ चॉपर इसके या स्ट्रॉ चॉपर जो कुतरा करने वाली मशीन है उसके साथ आप 0 टिल ड्रिल या हैप्पी सीडर का उपयोग कर सकते हैं। या ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पराली का लोड बहुत अधिक है, मतलब आप एक्सट्रीम केस पे चल रहे हैं कि आप एकदम बासमती वैरायटी और अच्छी ज्यादा पराल लगभग 14-15 टन हो रही है, इसके केस में आपको लगभग सारी मशीनों का 4 मशीनों का एक पैकेज बना के चलना पड़ेगा। जैसे कि आप सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो कम्बाइन हार्वेस्टर लगता है इसको लगाना पड़ेगा, ये कुछ हद तक कुतरा करेगा और जमीन पे बिखेर देगा। इसके बाद आप रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल चलाएंगे जिससे वो जो पराल है वो मिट्टी में दब जाएगी। इसके बाद आपका जो दबी हुई जो मिट्टी है, तो मिट्टी आपको असमतल दिखेगी क्योंकि जो मोल्ड बोर्ड प्लाव है वो मिट्टी को असमतल कर देता है कुछ हद तक। इसके बाद आप रोटावेटर चलाएंगे, रोटावेटर से आपकी जो जमीन है समतल हो जाएगी और जो बड़े ढेले हैं वो टूट जाएंगे। इसके बाद आप 0 टिल ड्रिल से बिजाई कर सकते हैं। तो यही है कि आप जैसे जैसे पराल जितना होगा उतना ज्यादा आपको मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा और आपको थोड़ी ज्यादा लागत लगेगी। इसकी लागत की अगर बात करें तो आप अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो ये 1,000 से लेके 3,500 से 4,000 रुपए की लागत में आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। स्वप्निल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पराली प्रबंधन को लेकर सरकार जो है मशीनों पर अनुदान भी दे रही है और इसको बढ़ावा भी दे रही है, साथ साथ ये सेहत के लिए नुकसानदेह है ये सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसानों के साथ ये समस्या बार बार देखने में आई है कि पराली फिर भी हर साल जलाई जाती है जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो ऐसे में किसानों को जागरूक करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? किसानों से अपील तो लगातार की जा रही है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए हो या गांव-गांव में जागरूकता के लिए रैली की जा रही है कि मतलब इन पे जो मुख्य जो उद्देश्य है कि आप पर्यावरण आप बचाएंगे कैसे, पराली के प्रबंधन को जलने को रोकेंगे कैसे, तो इसलिए योजनाएं चलाई जा रही है और लोकल स्तर पे भी इसको बहुत हद तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य रूप से योगदान कृषि विज्ञान केंद्रों का है क्योंकि वहां पे एक एक वहां पे वैज्ञानिक हैं, एक दो जो आपके मशीनरी विभाग के भी एक एक वैज्ञानिक लगभग कृषि के विज्ञान केंद्रों पे हैं जो मशीनों की जानकारी देते हैं या फिर ये जो पर्यावरण में जो दुष्प्रभाव है इनपे भी। और इसके अलावा जो आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं हर राज्य में प्राय हैं,
ये कृषि विश्वविद्यालय इसको मुख्य रूप से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कैसे इनको किसानों तक बातों को पहुंचाया जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी हो रही है, पुलिस भी मतलब सर्विलेंस में लगाई जाती है उस वक्त, ये जो पराली किसी क्षेत्र में जल रही है तो उन पे तुरंत एक्शन हो, या कैसे भी उनको समझाई दी जाए किसानों को कि ये ना जलाएं, क्योंकि किसान है उनको तो लागत और मुनाफे से मतलब होता है थोड़ा, कि आपको मुनाफा ज्यादा चाहिए। वही बात है ना कि किसान सोचता है कि हमको तुरंत इसका रिजल्ट मिले, लेकिन ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पराली एक साल है, दो लगभग आपको 3 से 4 साल का जमीन को समय देना पड़ेगा। इस साल अगर आपने दबाया उसको, लेकिन ये भी है कि आप सारी पराल तो दबा नहीं सकते, ये भी मैं मानता हूँ। तो ये हो सकता है कि आपकी जमीन की जितनी कैपेसिटी उतनी तो दबाई है, जितनी मतलब लगभग 1 हेक्टेयर में अगर 5-6 टन हो रही तो निश्चित रूप से इतनी पराल तो मिट्टी में मिलाई जा सकती है हर साल, जो अतिरिक्त हो रही है उसको थोड़ा हटा दें, तो ये थोड़े समय बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है 3 से 4 साल का समय लगे, लेकिन ये आपको इसके बाद आपका रिजल्ट मिलेगा कि कितनी उर्वरक शक्ति। निश्चित रूप से किसान जो है जो DAP डालता था, शायद वो 1 हेक्टेयर में 2 से 2.5 कट्टे डाल रहा है, तो वो लगभग उसका 70% पे आ जाएगा, और 4-5 साल में आधा डालने पे आ जाएगा। और